जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल। 8 मार्च के बाद करोड़पति बनेंगे 3 राशि वाले, बन रहा चमत्कारी संयोग। भक्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल मां बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भक्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ बगलामुखी की कृपा सदा सदैव के लिए आप पर बनी रही, ऐसी मैं माँ बगलामुखी से कामना करता हूँ। 8 मार्च को देवों के देव महादेव का सबसे बड़ा त्योहार शिवरात्रि है। ज्योतिष के हिसाब से इस दिन दुर्लभ योग का निर्माण होने जा रहा है। इस दुर्लभ योग के निर्माण होने के कारण कुछ राशियों को बेहद लाभ और चमत्कारी प्रभाव अपने जीवन में देखने को मिल सकते हैं। महाशिवरात्रि का यह दुर्लभ योग कुछ राशियों के लिए लाभप्रद साबित होने वाला है। इस योग से इन राशियों पर भगवान शिव की विशेष कृपा होगी तथा अनेकों प्रकार के चमत्कार उन लोगों को अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। भक्तों, 300 साल बाद ऐसा योग बनने जा रहा है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व जो बीत चुका है, इस दिन 300 साल बाद ये अनोखे दुर्लभ योग का निर्माण होगा। कब है ये दुर्लभ योग? भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल 4:45 से लेकर के पूरे दिन शिव योग रहने वाला है। शिव योग में भगवान शिव की पूजा की जाती है और भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए, काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए, गृह आदि पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए या फिर रोग शांति के लिए भगवान शिव का जल से अभिषेक किया जाता है और रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा उस व्यक्ति पर, उस जातक के घर पर, उस जातक के कुटुंब पर, उस जातक के व्यापार पर सदा सदैव के लिए बनी रहती है, ऐसा हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताया जाता है। भक्तों, वहीं सुबह 6:45 पर सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा और ये दुर्लभ संयोग बड़े विशेष हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। भक्तों, तो कौन सी है वो सौभाग्यशाली राशियां जिनका महाशिवरात्रि के दिन और 300 साल बाद ये योग बनने से इनका भाग्य चमकने वाला है, जिनके भाग्य की वृद्धि होने वाली है और जिनके जीवन में अपार खुशियां और मां लक्ष्मी की अपार कृपा और मां लक्ष्मी और कुबेर अपने भंडार के लोग के लिए खोलने वाले हैं, तो सौभाग्यशाली राशियों के बारे में आपको जान करके बड़ा हर्ष होगा। फर्स्ट नंबर पर मिथुन राशि के जातक। भक्तों, मिथुन राशि के जातकों पर भगवान शिव की विशेष कृपा रहने वाली है। जीवन में उन्नति के आसार मिलेंगे और आप अपनी पहचान बनाने में भी कामयाब होंगे तथा जीवन में अपार धन धान्य की वृद्धि होगी। इस योग के कारण आपका जीवन खुशहाल होगा। सेकंड नंबर पर सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए महाशिवरात्रि पर जो ये शुभ योग बनने जा रहा है, सिंह राशि के जातकों के लिए ढेर सारा धन मिलने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। पार्टनरशिप में यदि आपने कोई बिजनेस किया है या फिर आप कोई काम करने की सोच रहे हैं तो बिजनेस में भी आपको लाभ मिलने की प्रबल संभावना है या उम्मीद नजर आ रही है और आपको आपके कर्जे से भी इस योग के कारण मुक्ति मिलेगी तथा भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। थर्ड नंबर पर मेष राशि के जातक। महाशिवरात्रि पर जो ये योग बनेगा, इस राशि के जो जातक हैं उनको वित्तीय लाभ मिलने की प्रबल इच्छाएं आपकी पूर्ण होगी। साथ ही साथ कैरियर में आपके वृद्धि हो सकती है, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है या प्रमोशन के प्रबल योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और किए गए निवेश से भी आपको लाभ मिलेगा। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी मनोकामना के साथ जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।